देखो, जब हम वो उस पर विचार करते हैं कि हम 2000 सागर के लिए तिस पर्याय में आए और उसमें मनुष्य भव हमको बहुत लिमिटेड मिलना है, तो आत्मकल्याण का जो रास्ता है उसमें 2000 सागर में बहुत कम पीरियड में खुला है, क्योंकि बाकी जो जगह जाएगा ना दो इंद्रियादिक में, वहाँ तो खुला है ही नहीं। अश्विनी पंचेंद्री तक तो खुला है ही नहीं, देव गति में नहीं खुला, नरक गति में भी नहीं खुला है। तो एक मनुष्य गति का अभी वो कितना, 2000 सागर दिखते बहुत, कि 2000 सागर में जाएंगे निगोद में, अरे बहुत दिन है। लेकिन उसके पास तुम्हें तो भी मनुष्य के 8 भव ही मिलना है ना, और उसमें बेभव भी शामिल हैं, जो हमारे माँ के गर्भ में ही हमारा हत्या हो गई, आजकल हो जाती है, सगे माँ बाप ही कर देते हैं। और फिर बचपन में मर जाते हैं, अपन ने ऐसे बहुत देखे कि नहीं, जिस अवस्था तक आप आ गए हैं उस अवस्था तक कितने लोग आते हैं, और आ भी गए तो बस विषय कसाई के धंधे में लग जाते हैं, लौके के हमारा भविष्य जिसे कहते हैं फ्यूचर, फ्यूचर नाम से उसके नाम पर, फिर जो केवल अर्थ करी विद्या है, जिसे पैसे की कमाई होगी वो भी पाप के साथ, मैंने घूस लोगे, चोरी करोगे और 50 तरह के खोटे काम करना पड़ेंगे तब वो मिलेंगे। हमारे पास वो ऐसा साथी से पुण्य, निराबाद पुण्य कहाँ है कि हमको पुण्य से ही मिल जाए। क्या इसके साथ में जो चोरी चपोटी भी लगी हुई है ना, जो लोग इसमें हैं उसका तुमको अंदाज नहीं। यहाँ पर एक निहाल चंद करके एक व्यक्ति थे, मुमुक्षु थे, बहुत कट्टर पक्के तत्वाभ्यासी, करुणान योग के विशेषज्ञ विद्वान, इनकम टैक्स विभाग में थे। इनकम टैक्स विभाग में घूस वूस लेने का बहुत ही ज़्यादा है, तो वो एक नया पैसा नहीं देते थे। और जब उनके बाद में आने वाले, उनके असिस्टेंट, उनके अंडर में काम करने वाले लोग गाड़ियों से आते थे ऑफिस, तब उनके पास एक पुरानी साइकिल थी, 10-20 साल पुरानी, जो उससे ही जाते थे, उनके पास कुछ जाने था ही नहीं। हमने देखा है उनको, मतलब ऐसा नहीं कि कोई कहानी किस्सा नहीं सुना रहे, इसी जयपुर में थे, वो जयपुर के जो थोड़े बुजुर्ग लोग हैं वो सब जानते हैं, जैसे अब जी कैलाश जी हैं, जी अशोकवाणी जी, सब जानते हैं उन्हें। तो उनको कोई ऐसी जगह पे ही नहीं रहने देता था कि जहाँ दूसरे लोग घूस नहीं खाने पाए। उसके नीचे वाले ये कहते थे कि इन्हें इन्हें हमारे ऑफिस में मत रखो, ना जे खुद खाए ना खाने दें। तो उसे कहते हेड ऑफिस में अटैच कर दो, जो हेड ऑफिस में अटैच कर दो कि जहाँ से हजारी हाजिरी माजिरी लगाने का ही काम रहता है, सब कर्मचारी आ गए कि नहीं आ गए करके, पर कुछ काम नहीं होता है, समझ गए ना, कोई घूस मूस लेने की जगह नहीं होती है। तो सारी जिंदगी वो ऐसे ही अटैच रहे, इस वजह से जयपुर अजमेर ऐसी जगह बने रहे, बड़ी जगह है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि भाग्य से तुम तो निकल आए हो, लेकिन जो तुम लोग में से भी उस तरफ चले जाएंगे कि चले गए होंगे, उनसे कभी बात करना, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ये कितने दुखी हैं वे। यदि उन्हें थोड़े भी धार्मिक संस्कार है और वे शुद्ध सात्विक वृत्ति से रहना चाहते हैं तो नहीं रह सकते, है ना। पुलिस में चले गए, इसमें चले गए, अपने कुछ, मैं इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत तकलीफ का काम है, चाहे तुम व्यापार करना और चाहे सर्विस करना।
दोनों में ही बहुत तकलीफ है। हम जाते थे बंबई में ही, तो जो बड़े बड़े सेठिया आकर के हमारे पैर पड़ते तो हम उनसे कहते भाई हमारे क्यों पड़ रहे हो, हम तो तुम जैसे ही हैं, गृहस्थ हैं, सामान्य आदमी हैं, तत्व की बात आप बताते हो तो ठीक है, पैर क्यों पड़ते हो। तो उनने जो हमें जवाब दिया वो सुनो आप। वो कहें कि साहब हम सुबह से शाम तक कैसे कैसे शराबी कबाबियों के पैर पड़ना पड़ते हैं, उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनके लिए सब कुछ लेना देना पड़ता है, तो हम आपको देखते हैं तो हमको बहुत अंदर से अहोभाव आता है, इसलिए हम पढ़ते हैं। बहुत अच्छा जीवन नहीं है क्या? इस बाउंड्री के बाहर अच्छा जीवन नहीं है। और जो ऐसे खोटी वृत्ति वाले जीव हैं वो इस बाउंड्री में आकर के भी उसी लेन पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको ये उत्कृष्ट अवसर का उपयोग करना आता ही नहीं है। क्या समझे ना? अब तुम लोगों में से कितना महाभाग्यशाली निकलते हैं कि अपने जीवन को एकदम शुद्ध सात्विक रखकर शुद्ध आजीविका से और अपने तत्व ज्ञान पूर्वक उस बात को तुम करते हो। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये समय बहुत कीमती हो गया, हमको ये मौका मिल गया ना शांति जी, तो ये समय हमारे लिए बहुत कीमती हो गया। अब हम इस समय को, चलो इसमें क्या फर्क पड़ता है, इनकी सेवा कर दी तो क्या फर्क पड़ता है, अब हम जान ले गए सच्चे मिथ्या दृष्टि हैं और इनकी सब बात में ठीक नहीं है, तो इसके लिए तो उन्होंने ये लिखा ना कि तुम्हारा तो ये मनुष्यभव चला जाएगा, फिर एकाध भव में तुम उस सेवा से स्वर्ग भी चले जाओगे और फिर लौट के नरक निबोध में चले जाओगे। माने बहुत कीमती अवसर है, इसलिए हमें इस अवसर का जितना पूरा लाभ हम ले सकते हैं वो हमें ले लेना चाहिए। यहाँ भी एक यही स्थिति है, जैसे मैंने बताया ना कि ऑफिसों में ये पोजीशन है, बाजार में दुकानदारों के लिए ये पोजीशन है, खेत में किसानों के लिए ये पोजीशन है, ऐसे ही इस मनुष्य भव में हम ये चले जाए यहाँ वहाँ किसी पास भी समय काटने के लिए, तो भी ये मनुष्य भव मुफत में ही जाने वाला है। मेरे दिमाग में एक उदाहरण आ रहा है, नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन सागर में शिविर था तो अपना एक विद्वान, विद्यार्थी नहीं था, अपने आप पढ़ा नहीं था, मैं कि अशोकनगर में रहता था वहाँ था, तो वो आ गया था समाज में, तो मोक्षु समाज में आ गया तो मोक्षु हो गया, इसमें ही रहता था। अब रहते रहते विद्वान तो था नहीं, तो उसकी क्रेडिट ज़्यादा समाज में इज्जत होती नहीं थी, लड़का हो गया इंजीनियर और लाखों रुपये महीना कमाने लग गया। अब वो ऐसा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो वो किसी एक संघ में चला गया और वहाँ ब्रह्मचारी बन गया। उसने कहा कि सब एक भोजन की बढ़िया सुविधा मिलेगी और शांति से मैं अपना धर्म ध्यान करूँगा। आप समझ गए होंगे शांति जी आप, तो वो मेरे पास आया और रोने लग गया, बोले दादा मैं चला गया था उनके साथ सिर्फ इसलिए क्या कि शुद्ध सात्विक जीवन में अपना बिता सकूं, लेकिन मैं नहीं वहाँ नहीं रह सकता, मैं लौट के फिर आ गया। अब अंदर से कितना वो टूटा हुआ था, मन कितना गिरा हुआ था, लेकिन उसे स्टेज पर बैठना था मेरे बगल में, रोजाना आगे मेरे बगल पे स्टेज पर बैठता था क्योंकि सब लोग देख लें, वो मेरे से बात करता था, ये पंडित जी का से संबंध वाला है, इसलिए फिर उसकी जरा इज्जत। अब बोले यहाँ भी मेरे को दिक्कत है कि क्या दिक्कत है,
वहाँ तो क्या दिक्कत थी कि मैं सबसे छोटा था ना, कैसे वृतों में कोई तो मुनि हो गए थे, कोई छुल्लक, कोई ऐल, कोई आर्यिका जी, अब मैं ब्रह्मचारी था। तो महाराज का 10 बजे आहार, 11 बजे आहार होता है, फिर छोटे महाराज जी का, फिर इनका, फिर माता जी का, फिर इनका, फिर होते होते मेरे 2 बजे नंबर आता है। पर सुबह से कुछ खा नहीं सकता हूँ, इतना भूखा रह नहीं सकता हूँ, बहुत तकलीफ है। उसने अपनी तकलीफें गिनाई, रोटियों साथ ही गया था और उसमें भी एक तकलीफ, इसलिए लौट के आ गया। पुण्यहीन होता है ना, है ना, तो वो तो जहाँ जाएगा वहाँ ऐसे ही होगा। तो अपने यहाँ वो भले ही यहाँ बैठता था, करता था, सब अपने तो लोग जानते थे, तो अपने यहाँ भोजनालय में चाहते जाता था, शोध के भोजनालय में, तो भी वो चाहता था कि मेरे को लोग आओ आओ साहब ब्रह्मचारी जी पधारो, ऐसा कह के कहीं आगे बैठा लें, ऊपर बैठा लें, और ढंग से उसे भोजन मिल जाए। तो बोले वहाँ भी नहीं मिलता है, वहाँ भी नहीं बैठते, कोई उठता नहीं, कोई देता नहीं, आसन बैठती है तो बैठे ही, खड़े रहो तो खड़े रहो। ऐसे मतलब यह है कि भाई यहाँ तो आपका है सब, और फिर भी यहाँ भी ऐसे ही होता है, क्या करूँ मैं, आप समझ रहे ना। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसी जगह भी चले गए तो भी ये मनुष्य भव, वो एक एक मनुष्य भव का क्षण जा रहा, और ऐसी तकलीफ में जाएगा क्या? ये तो बहुत ही महाभाग्य का उदय है कि तुमको ये विद्या मिल गई, और साथ में ये हमारे ज़माने में तो गवर्नमेंट में नौकरी मिलती भी नहीं थी, और मिलती थी तो उनकी तनख्वाहें 50-60 रुपये महीना थी। अब आप तुम लोगों को तो 50,000 से शुरू होती है, मैंने तुम्हारी शुद्ध सात्विक 2-4 घंटा काम करो, ईमानदारी से पढ़ा दो, तो बिल्कुल बिना तकलीफ के घर में रह के तत्व ज्ञान का पूरा लाभ ले सकते हो। मेरे अंदर में बहुत ये पीड़ा है कि मैं चाहता हूँ कि आप वो सब लाभ ले लें, फिर ज़्यादा पैसा मैसा के पीछे ना पड़कर अपने तत्व ज्ञान को निर्मल करें, और इसी ऐसी अपने सामान्य गृहस्थ अवस्था में भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अनुभूत हो गए, यहाँ तक ही बढ़ के स्वाधीन आजीविका रहे, ऐसे रहकर जितना आत्मकल्याण हो सकता है वो करें, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। और इसलिए वो यहाँ कह रहे कि वो चले जाते, उसमें क्या, जिसके अंतिम भव आ गया होगा मनुष्य का, उसे तो जाना ही जाना है, क्योंकि इस भव से मोक्ष तो जाना नहीं है, अभी 2-4 भव बाकी भी होंगे, तो उन्हें ऐसे ही निकल जाने में क्या देर लगती है, ये 2000 सागर मागर नहीं गिनना, अपने पास बहुत लिमिटेड क्षण हैं, एक क्षण भी गंवाने लायक नहीं है, इतनी बात समझना।